हेलो फ्रेंड्स, कुक विद भावना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कपकेक्स, प्लेन वेनिला कपकेक्स हम बना रहे हैं आज, और उसे हम कलरफुल आइसिंग के साथ सजाएंगे। तो यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको तुरंत ही मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। चलिए हम कपकेक्स बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कपकेक बनाने के लिए हम इंग्रेडिएंट्स एक बार देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने 1 कप दही ले लिया है, और उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है मैदा, ये 1 कप + 1/3 कप है, यानी 1/3 कप इतना मैदा हमें इसमें लेना है। और यहाँ पर 1 चम्मच हमने वैनिला एसेंस ले लिया है, और यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और 1/2 छोटी चम्मच हमने लिया है बेकिंग सोडा, और उसके बाद यहाँ पर हमने ले लिया है 1/2 कप चीनी, और 1/2 कप ही हमने ऑयल लिया है। तो चलिए अब हम कपकेक बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले केक के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं, और बैटर तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ एक बाउल ले लिया है, और इसमें हम अब दही डाल देंगे जो हमने लिया था, और उसके बाद इस दही में हम चीनी डाल देंगे, और उसके बाद आपके पास यदि इस तरह का विस्कर है तो आप इससे फेंट सकते हैं केक के बैटर को, और आपके पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे भी आप बीट कर सकते हैं। यहाँ हम इसे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे ताकि इसमें टाइम कम लगे हमें। जो हैंड विस्कर होता है उसमें आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आप उससे भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा बैटर बनता है। फ्रेंड्स, हमने अभी इसे 1 मिनट तक बीट किया है, और अभी हम इसमें ऑयल भी मिक्स कर देते हैं। ये ऑयल भी हमने इसमें डाल दिया है, और वैनिला एक्सट्रैक्ट जो हमने लिया था वो भी इसमें डाल देंगे, और एक बार से फिर हम इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें चीनी घुलने तक इसे बीट करना है। फ्रेंड्स, अभी जो हमारा मिक्सचर रेडी है, अभी हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट हमारे जो हैं वो डाल लेते हैं। यहाँ पर जो हमने मैदा लिया था उसे हमने 1 से 2 बार पहले से छान लिया है, इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिला करके, और आप भी ऐसा जरूर करें। और अभी हम इसे एक बार और छान लेते हैं इसमें। फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा मैदा हम इसमें छान के और डाल देंगे, इसे एक बार आप पहले से छान के रखें, 1 से 2 बार छानना इसे बहुत जरूरी है, इससे हमारा केक बहुत अच्छे से फ्लफी होगा और सॉफ्ट बनेगा। फ्रेंड्स, हमने सारा मैदा इसमें डाल दिया है, अभी आप धीरे धीरे इसे मिक्स कर लीजिए। एक बार हमने इसे मिक्स कर दिया है, अभी हम इसे एक बार और बीट करेंगे। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसे ओवर बीट ना करें। बस अभी ये बीट हो चुका है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का लंप्स नहीं है, हमें इतना ही बीट करना है इसे। अभी हमारा केक बैटर बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, हमने माइक्रोवेव प्री हीट कर लिया है, और आप इनको कुकर में भी बना सकते हैं, और यदि आपके पास बड़ा कुकर है तो, लेकिन मैं आज माइक्रोवेव में बना रही हूँ। और यहाँ पर इन्हें हम बनाएंगे, ये जो टी कप्स आते हैं पेपर कप्स, इनमें बना रहे हैं। इनको मैंने ऑयल लगा के मैदा डस्ट करके ग्रीस कर दिया है, और अभी हम इसमें हमारा बैटर डालेंगे। आपको 1/2 कप ही भरना है, इस तरह से हम सारे कप्स में डाल देंगे बैटर हमारा। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे सारे कपकेक्स माइक्रोवेव में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अभी हम इसे 180 डिग्री पर 15 मिनट तक बेक करेंगे, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। कपकेक्स बेक हो चुके हैं, इन्हें हमने 15 मिनट पहले बेक किया था, उसके बाद हमने चेक किया इसे, जब तक ये बने नहीं थे, तो 5 मिनट हमने इन्हें और बेक किया है। टोटल 20 मिनट में हमारे कपकेक्स बन करके बिल्कुल तैयार हैं। अभी इन्हें हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे। हमारे कपकेक जब तक ठंडे हो रहे हैं तो हम आइसिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1/2 कप ये हैवी व्हिपिंग क्रीम है वो ले ली है हमने,
और उसको अभी हम व्हीप करेंगे। और उसको व्हीप करने के लिए यहाँ पर हमने एक बर्तन में इस तरह से ठंडा पानी ले लिया है और कुछ आइस क्यूब्स इसमें डाल दिए हैं और उसके ऊपर हम इसे रख करके, और आपके पास यदि इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप इससे करें, और यदि आपके पास ये नहीं है तो आपके पास ऐसा विस्कर हो घर में तो आप उससे भी इसे व्हीप कर सकते हैं हाथों की सहायता से। तो अभी हम इसे इलेक्ट्रिक बीटर से व्हीप करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ अभी हम थोड़ा इसमें वैनिला एक्सट्रैक्ट डाल देंगे फ्लेवर के लिए और इसे एक बार फिर से व्हीप करेंगे हम। फ्रेंड्स हमारी क्रीम अच्छे से व्हीप हो चुकी है, ये बिल्कुल तैयार है अब आइसिंग के लिए। फ्रेंड्स हमने जो क्रीम को व्हीप किया था उस व्हीप क्रीम को हमने चार भागों में डिवाइड कर लिया है, चार बाउल में। अभी हम इसमें चार कलर डालेंगे। फ्रेंड्स अभी इसमें हम हल्का सा पिंक कलर डाल देते हैं और इसमें हम ब्लू कलर डाल देते हैं, बिल्कुल हल्का कलर मिलाना है आपको, ये फूड कलर है। यहाँ हम थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल देते हैं और यहाँ हम थोड़ा सा रेड कलर इसमें मिला लेते हैं। फ्रेंड्स हमने चारों कलर बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लिए हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं, और अभी हम इसे पाइपिंग बैग में भरेंगे। फ्रेंड्स यहाँ एक पाइपिंग बैग ले लिया है, इसकी हम टिप काट देते हैं इतनी, और इसके बाद हम इसमें ये स्टार नोजल डालेंगे। फ्रेंड्स अभी हम हमारे इसमें क्रीम डाल देते हैं, व्हीप क्रीम। बहुत ही सावधानी से आपको अलग अलग डालना है। हम एक तरफ यहाँ ब्लू कलर की व्हीप क्रीम डाल देंगे। फ्रेंड्स अभी हम दूसरा कलर डाल देते हैं इसमें। अब इसकी दूसरी तरफ हम पिंक कलर डाल देंगे इस तरीके से। अब ध्यान रखें कि दोनों मिक्स ना हो। और अभी हम इसमें तीसरा कलर भी डाल देंगे, हमारा ग्रीन कलर। सारे कलर की, हमारे चारों कलर की व्हीप क्रीम डाल दी है। अभी हम धीरे धीरे सावधानी से इसे नीचे ले जाएंगे, नीचे की तरफ। हमारी जो क्रीम है वो सारी हम नीचे की तरफ ले जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। फ्रेंड्स अभी हम इस पे आइसिंग कर देते हैं। ये देखिए कितने प्यारे कलर आए हैं हमारे इसमें। दूसरे कपकेक पे भी हम ऐसे ही कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सारे हमारे जो कपकेक्स हैं वो बिल्कुल रेडी करेंगे आइसिंग करके। ये देखिए हमारे कपकेक बिल्कुल रेडी हैं और ये कलरफुल आइसिंग के साथ बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। बहुत सॉफ्ट और बहुत स्पंजी हमारे जो कपकेक हैं वो बने हैं। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, इसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है। और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।